हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ऑनलाइन जस का और इस घंटी वाले आइकन को जरूर टच कीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों चल रहा है 2017 और मेरे पास एक 4 साल पुराना एप्पल का iPhone 5s। 2017 में एक iPhone 5s खरीदना एक फ़ायदे का सौदा होगा कि नहीं? 15 से 20 हज़ार के बजट में काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो दोस्तों सब कुछ बताऊंगा इस फ़ोन से रिलेटेड, एक री अनबॉक्सिंग करूँगा अपने iPhone 5s की और दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगा इस फ़ोन का। सारे के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबका स्वागत है ऑनलाइन चेस का। मेरे पास है iPhone 5s, जबकि दोस्तों मैं रिसेंट परचेज किया हुआ है, एकदम न्यू बॉक्स नहीं है, जिसको मैं पहले से अनबॉक्स कर चुका हूं। दोस्तों मैं दोबारा से इसकी री अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं दोस्तों, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या बॉक्स के साथ कंटेंट्स रहते हैं और कैसा है बॉक्स इसका। iPhone 5s की ब्रांडिंग दी हुई है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऊपर एप्पल का लोगो है, पीछे इसकी डिटेल्स दी हुई है एप्पल ने फ़ोन के बारे में, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स हैं। अगस्त 2016 की पैकेजिंग है। 25,000 रुपये इसका प्राइस है, बट जनरली आपको मार्केट में और ऑनलाइन शॉपिंग से अगर आपको 17,000 से 18,000 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। डार्क ग्रे कलर है दोस्तों मेरे हाथ में। फटाफट दोस्तों मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स और आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है iPhone 5s का डार्क ग्रे। आगे से एकदम ब्लैक कलर का डिवाइस है, पूरा ब्लैक दिया हुआ है। और दोस्तों बाकी चलिए इसको रखते हैं साइड में, इसके बॉक्स कंटेंट्स में नज़र डालते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं इसको ऑन कर देता हूं, तब तक ऑन हो जाएगा। दोस्तों बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो इसके साथ में दोस्तों सबसे पहले इसकी एक ऊपर की ट्रे के साथ अटैच है ऑनर मैनुअल, जिसको पाउच के अंदर है, तो पाउच से बाहर निकालते हैं इसको। पाउच से दोस्तों इसको बाहर निकालने के बाद सबसे ऊपर इसमें एक लगी हुई है आपकी सिम इजेक्टिंग टूल, साथ के साथ इसमें ऑनर मैनुअल दिया हुआ है जिसपे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं बटन्स वगैरह के बारे में। इसको बंद कर देते हैं। और दोस्तों इसके साथ में एक ईयरपॉड्स दिए जाते हैं, बड़ा अच्छी क्वालिटी के ईयरपॉड्स हैं दोस्तों। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और अगर मार्केट से ख़रीदते हैं तो लगभग 2,500 रुपये इसका प्राइस है। नीचे की तरफ एप्पल का लोगो दिया हुआ है बॉक्स के ऊपर, साथ में एक USB चार्जर है जो कि लाइटनिंग चार्जर है। इस पर नीचे डिटेल्स दिए हुए हैं, बेसिक चार्जर दिखने में लगता है लेकिन चार्जिंग ठीक ठाक कर देता है, बिकॉज 1500 mAh के अप्रॉक्स बैटरी है फ़ोन में। तो दोस्तों चार्जर भी अच्छा है इसका और साथ में जो USB केबल आती है वो लाइटनिंग USB केबल है, सी टाइप USB केबल की तरह रिवर्सिबल काम करती है ये। एप्पल के सारे फ़ोन्स के साथ सेम केबल आती है, सेम चार्जिंग केबल है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। बाकी दोस्तों फ़ोन के साथ में और कुछ नहीं आता है, बॉक्स अब खाली हो चुका है। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने फ़ोन पे। तो फ़ोन दोस्तों हो चुका है ऑन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो मैं इसको एक इसमें पासकोड लगा हुआ है तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ। उससे पहले नज़र डालते हैं इसके डिज़ाइन पर, काफ़ी अच्छा कटिंग एज डिज़ाइन है, काफ़ी स्लिम भी है। साथ के साथ नीचे अगर देखेंगे तो 3.5 mm जैक, स्पीकर एंड माइक दिया हुआ है और एक सी टाइप USB पोर्ट चार्जिंग के लिए है। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम रॉकर्स, वॉल्यूम प्लस माइनस सेपरेट दिया हुआ है और एक साइलेंट बटन दिया हुआ है और एंटीना के बार्स भी दिए हुए हैं जिससे कि डिवाइस अच्छा दिखता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें एक पावर बटन दिया हुआ है, राइट साइड में आपका सिम पोर्ट दिया हुआ है। पीछे की तरफ देखेंगे तो दोस्तों मैट फिनिश में आता है, ऊपर ब्लैक कलर का जो है वो ग्लास है, बाकी पूरा यूनिबॉडी मेटल है। दोस्तों इसको करता हूँ मैं अनलॉक और दिखाता हूँ इसका कैसा है यूज़र इंटरफेस। तो iOS 10 पर चलता है जो सबसे लेटेस्ट मार्केट में इसका अवेलेबल है एप्पल का। तो सबसे अच्छी बात एक ये भी है एप्पल यूज़ करने की, आप कोई भी एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों उसका लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा एप्पल iPhone 5s के बाद जितने भी मॉडल हैं सब के सब पे। तो दोस्तों इसमें टच आईडी भी दिया था, 2013 में एप्पल ने टच आईडी दिया था जो कि काफ़ी रेस्पॉन्सिव है, शायद ही आपका जो फिंगर है कभी डिटेक्ट ना कर पाए। वैसे तो काफ़ी अच्छा लाइट वेटेड फ़ोन भी है और फ़ोन का डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है और अनलॉक करने में तो दोस्तों बहुत अच्छा है, अपने कैटेगरी में काफ़ी फिंगरप्रिंट्स वाले फ़ोन से अच्छा है। चलिए दिखाता हूँ इसकी एक वीडियो क्वालिटी कैसी है इसकी वीडियो।
दोस्तों तो एप्पल यूज़ करता है अपने फ़ोन्स में रेटिना डिस्प्ले, जिससे कि डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है और डिस्प्ले की जो शार्पनेस है और उसके पीपीआई है वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। डिस्प्ले छोटा है उसके हिसाब से इसकी पिक्सल्स भी अच्छे हैं। और दोस्तों म्यूज़िक प्लेयर की बात करें तो एप्पल का जो डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर है उसमें आप एप्पल प्ले म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक प्लेयर का यूज़र इंटरफेस है। साथ के साथ दोस्तों कैमरा की बात करें तो दोस्तों फ़ोन का कैमरा 8 मेगापिक्सल है और फ्रंट कैमरा 1.2 मेगापिक्सल है, लेकिन इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब देखिए मैंने एक इमेज कैप्चर की है अभी, तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक इंडोर इमेज है दोस्तों। और देखिए मैंने कितना जूम किया हुआ है इसको, उसके बाद भी इमेज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। दोस्तों एक इमेज और कैप्चर करता हूँ मैं अपने फ़ोन से, तो आपको एक अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा किस टाइप्स की इमेज क्वालिटी मिलेगी आपको इंडोर में। और आउटडोर की पिक्चर्स भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें, आप देख पाएंगे आउटडोर की इमेज कैसी हैं और फ्रंट कैमरा की इमेज भी। दोस्तों ये देखिए इसकी क्वालिटी जो है आपके सामने है, 8 मेगापिक्सल कैमरा आईफोन ने दिया हुआ था, जिसकी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। दोस्तों बाकी अगर मैं कैमरा के फीचर्स के बारे में बता दूं तो अलग अलग टाइप्स के कई मोड्स दिए हुए हैं इसमें, स्लो मोशन वीडियो, टाइम लैप्स वीडियो भी इस फ़ोन से आप बना सकते हैं और HDR मोड भी दिया हुआ है। तो कैमरा काफ़ी अच्छा कैमरा है। कैमरा के बारे में दोस्तों मैं इसको दूंगा अपनी कैटेगरी में 5 out of 5, बिकॉज 15 से 20 हज़ार की रेंज में अब ये फ़ोन आ चुका है, तो काफ़ी सारे कंपटीटर्स भी हैं। अगर आपको एक छोटा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, बड़े फ़ोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दोस्तों मैं बताऊं आप अगर एप्पल नहीं यूज़ किया है तो एक बार आईफोन 5S ज़रूर ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों मैं बता दूँ इसको, तो दोस्तों ये 16 GB मॉडल है मेरे हाथ में, इसमें 1 GB रैम आता है। साथ के साथ दोस्तों देखिए मैंने इसको स्टोरेज को कितना यूज़ किया हुआ है, उसके बाद भी डिवाइस को मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, तो डिवाइस में कहीं लैगिंग नहीं है। स्टोरेज देखिए आप केवल 4 GB के आसपास बचा हुआ है, उसके बाद भी डिवाइस अच्छे से काम कर रहा है। iOS का वर्जन भी इसमें लेटेस्ट आपका इंस्टॉल है, 10.3.1। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस है, एक बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने अभी तक एप्पल का कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं किया हुआ है। दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन है गो फॉर इट, अगर 15-16 हज़ार रुपये की रेंज में आपको मिलता है तो परचेज कर लीजिए, एक बार यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, यूज़र इंटरफेस आपको पता चल जाएगा। दोस्तों वीडियो ख़त्म होने वाला है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार मैं वीडियो क्वालिटी के बारे में बता दूं आईफोन 5S के बारे में, तो दोस्तों पूरा वीडियो जो आपने अब तक देखा वो आईफोन 5S से ही रिकॉर्ड किया गया है और इसी पर एडिट किया हुआ वीडियो है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। और दोस्तों अगर आपको इस फ़ोन से रिलेटेड या और भी कोई फ़ोन से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दीजिएगा, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।